आज सौरमान सिस्टम के मुताबिक नया वर्ष है, शार्वरी संवत्सर शुरू हो रहा है। इस अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बीआर अंबेडकर का भी जन्मदिन है, इस अवसर पर भी मैं सबको बधाई देता हूं। डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने कहा है कि मैं उस रिलीजन को मानता हूं जो लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी को रिकग्नाइज करता है। सभी धर्म इसी को कहते हैं, लेकिन धर्म के अनुयायी धर्म को समझने में असमर्थ है। और हिमाचल प्रदेश में अब तक 15 जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स इस वक्त अस्पताल में उपचाराधीन हैं। पिछले 2 दिन से कोई नया केसेस नहीं आए। पिछले दिन लगभग 100 केसेस का टेस्टिंग हुई, लेकिन सब नेगेटिव आए। ये एक शुभ समाचार है, लेकिन हमें पूर्ण रूप से कठोरता से जो नियमों का पालन करना है, क्योंकि देश भर में 10,000 से ऊपर केसेस हुए हैं। फिर भी भारतवर्ष जो है दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। और दूसरी बात कि हमने इस वक्त 1,053 लोगों को, टीजे रिलेटेड लोगों को क्वारंटाइन में रखा है, और इन्फेक्शन चैन को काटने में जो कुछ हो सकता है वो हम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि लॉकडाउन पीरियड जो है वो 3 मई तक एक्सटेंड किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 20 अप्रैल तक बहुत ही कठोरता से इसकी पालना की जाएगी। अगर थोड़ा सा रिलैक्सेशन करना है तो उसके बारे में 20 अप्रैल तक सोचा जाएगा, वो हालात के मुताबिक होगा। और मेरे अनुरोध है कि जो जहां पे है इस वक्त वही रहे, ये देश का कानून है, ये प्रधानमंत्री का अपील भी है और साथ में देश का कानून भी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत ये कानून है, और सारे डिप्टी कमिश्नर और एसपी को कहा गया कि वे इसको पालना करने में व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार रहेंगे। इसलिए आपको जहां है वहीं रहना है। हम सब भारतवासी हैं और भारत के किसी भी कोने में धरती पे रहने में किसी को कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि उनके राज्य में जो अन्य प्रदेशों से आए लोग जो फंसे हैं उनका अच्छी तरह देखभाल करेंगे और उनको खाने पीने का बंदोबस्त किया जाएगा और उसके लिए आवश्यक हेल्पलाइन भी उपलब्ध कराए हैं। हिमाचल सरकार ने भी हेल्पलाइन नंबर्स नोटिफाई किया, यहाँ से अफसरों को भेजा गया चंडीगढ़ में, दिल्ली में देखभाल करने के लिए, और सरकार को आपके प्रति पूरा हमदर्दी है। लेकिन सरकार भी देश का कानून को पालना करने में बाध्य है, इसलिए आप कभी इसमें उम्मीद नहीं करना चाहिए कि लॉकडाउन पीरियड में जब तक आदेश नहीं आता आपको अपने राज्य से निकाला जाएगा, या किसी भी राज्य पे है आप वहां से निकाला जाएगा, इस तरह का संभावना इस वक्त नहीं है। अगर 1-2 आदमी इस तरह का कोशिश करते हैं अंदर आने के लिए, उनको बॉर्डर पर ही क्वारंटाइन में रखा जाएगा और आपको ज्यादा असुविधा जो है क्वारंटाइन सेंटर पे झेलना पड़ेगा। इस वक्त जहां है वो जो लोकेशन है वो क्वारंटाइन सेंटर से बेहतर है। और मैं सबको कहना चाहता हूं कि ये जो लॉकडाउन का जो पालना करना एक 0 बजट का प्रोग्राम है। आपको घर में जाना है, इस पे कोई बजट नहीं है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हैंड वॉश करना, कोई खर्चा नहीं है। और सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया है कि जो हैंड होम मेड मास्क जो है आपको पहनना है, ये भी कोई एक्सपेंसिव नहीं है, जो कई लेयर्स बना के आप इसको पहन सकते हैं और इससे आपका अपने आप को बचाव कर सकते हैं और समाज का भी बचाव कर सकते हैं। और हमेशा हमको एक आशा रखना चाहिए। आज WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि दुनिया में 70 जगह पर इस वक्त साइमल्टेनियसली जो वैक्सीन के लिए खोज में साइंटिस्ट लगे हैं और दवाइयों के खोज में भी साइंटिस्ट लगे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि देश के अंदर भी कई जगह जो है ये वैक्सीन तैयार करने में साइंटिस्ट लगे हैं। इसलिए हमें एक आशा रखना चाहिए। और हेलन केलर ने कहा है कि आत्मविश्वास और आशा ही
कामयाबी के लिए कारण बनता है। और रोमन स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है, जो सफरिंग लीड्स टू एंड्यूरेंस लीड्स टू कैरेक्टर एंड फाइनली लीड्स टू होप एंड सक्सेस। सो जो सफरिंग है, हम सब झेल रहे हैं, इस देश में एक भी आदमी नहीं है जो कष्ट नहीं झेल रहा हो, और कष्ट हम सब झेल रहे हैं। और हमें सोचना चाहिए कि जो इनेविटेबल है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। रिनॉल्ड नीबर ने कहा है कि एक्सेप्ट व्हाट कांट बी चेंज्ड एंड ट्राई टू डू एवरीथिंग पॉसिबल व्हिच कैन बी चेंज्ड एंड हैव द विजडम टू नो द डिफरेंस। जो लॉकडाउन है ये हमारा हम इसको एक्सेप्ट करना ही है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए डायरेक्शन दी गई है, जो हम अपने आप का बचाव के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज के बचाव के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, उसे हमको करना चाहिए और ये बात हमको समझना चाहिए। और हमें एक आशा रखना चाहिए, और जरूर आशा लगातार जिंदगी भर जो है आशा रहना चाहिए। ये होप के बारे में मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 1984 के लोकसभा इलेक्शन हार गए थे, उनका एक फैन एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कर्नाटक के शिवमोग्गा के थे और उसने तुरंत सुसाइड किया। वो ये बात सह नहीं पाया कि इतना बड़ा कद्दावर नेता एक लोकसभा इलेक्शन नहीं जीत पाए, वो काफी दुखी होकर सुसाइड किया। लेकिन वो लड़का अगर सुसाइड नहीं करता और जिंदा रहता, उसने एक ऐसा सुनहरा दिन देख सकता था जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 6-7 साल तक प्रधानमंत्री रहे। ये सुनहरा दिन वो इसीलिए नहीं देख पाया क्योंकि उसके अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं था। इसीलिए शिरडी साई बाबा ने कहा है कि डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत जरूरी है, श्रद्धा और सबूरी बहुत आवश्यक है। इसलिए हम सब जिंदगी भर होप्स रखें और जरूर हमको अच्छा दिन, सुनहरा दिन देखने को मिलेगा। देयर इज ऑलवेज रे एट द एंड ऑफ द टनल। धन्यवाद। जय हिंद।